कोरोना काल के 2 महीने के लॉकडाउन की भरपाई अनलॉक के महीनों में हो रही है पूरी। जी हाँ, ऐसे में व्यापारियों की दिवाली से बड़ी उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की केंद्रीय कर्मचारियों को सेवा लाभ प्राप्तियों लेने के लिए खरीदारी अनिवार्य करने की घोषणा से बाजार में उम्मीद बढ़ गई है। देश में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 40 लाख के करीब है। अनलॉक के बाद पिछले 2 महीने में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप व किचन होम अप्लायंस का बाजार पटरी पर लौटा है। खरीदारी के जोर पकड़ने के बाद व्यापारी न केवल अपना खर्च निकाल रहे हैं बल्कि कई वस्तुओं की बिक्री में तेजी आ रही है। इससे बाजार की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं बिक्री तेजी का जो कारण है उसमें वर्क फ्रॉम होम व ऑनलाइन शिक्षा के चलते मोबाइल या टैबलेट की मांग बढ़ चुकी है। तो वहीं सिनेमा घर बंद होने से बड़ी स्क्रीन के टीवी और होम थिएटर की खरीदारी पर भी जोर पकड़ चुका है। संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही रहे कपड़ों की इस्त्री तथा आटा चक्की, वॉशिंग मशीन की बिक्रियां भी बढ़ गई है। तो वहीं घर में केक, चटपटा व आइसक्रीम आदि बनाई जा रही है जिससे होम अप्लायंस की जो डिमांड है वह बढ़ गई है। वहीं नवरात्र और दिवाली की परंपरागत खरीदारी से भी व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से पूरे देश में कोरोना का जो काल चल रहा है उसके अंदर अधिकतर व्यापार जो है पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। वहीं अनलॉक 1, 2, 3, 4 जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ही जो खरीदारी जो है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन चीज़ें हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं सरकार को, केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इस बार दिवाली में कुछ अच्छा हो सकता है।